कुछ लोग विपत्तियां आने पर बिखर जाते हैं तो कुछ लोग विपत्तियां आने पर निखर जाते हैं, कुछ विपत्तियां आने में टूट जाते हैं तो कुछ विपत्तियां आने पर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हम में से किसी भी इंसान को विपत्तियों में रहना पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके बीच में विपत्तियों में आने के बाद जो आपको फायदे मिलते हैं, यकीनन उनकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते और वैसे फायदे आप कंफर्टेबल जोन में रहकर तो नहीं पा सकते। कहते हैं अ गुड लाइफ इज एनमी ऑफ ग्रेट लाइफ, एक अच्छा जीवन एक बहुत बेहतरीन जीवन का दुश्मन होता है। और जिंदगी के अंदर गिरना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गिरने से इंसान को अपनी औकात का पता चलता है कि वो कितने पानी में रहता है, और जब इंसान गिरता है तो अपने ऊंचे उठने के हुनर को फिर से जांच पाता है, परख पाता है। आपकी महानता इस बात में नहीं है कि आप जीवन में कभी नहीं गिरे, बल्कि आपकी असली महानता इस बात में है वापस से कितनी बार आप गिर करके ऊंचाइयों पे उठ खड़े हुए। एडवर्सिटी क्रिएट रेजिलियंस, यस माय डियर फ्रेंड, लचीलापन जिंदगी के अंदर तभी आता है। हम कब चीजों के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं? जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम विपत्तियों में होते हैं। क्योंकि हम नॉर्मल जिंदगी के अंदर कभी हम विपत्तियों में जब हमें रहने की आदत नहीं होती है तो हमारे अंदर एडजस्ट ना करने का, कॉम्प्रोमाइज ना करने का एटीट्यूड होता है। लेकिन जब विपत्तियां आती हैं तो हम चीज़ों के साथ एडजस्ट करते हैं, लचीलापन आता है और आप इजीली बहुत तेजी के साथ रिकवर होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाते हैं, जिससे हमें और बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। जो विपत्तियां होती हैं वो मैच्योरिटी डेवलप करती हैं। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तब ये पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि सही वक्त में तो आपके साथ कोई खड़ा रह सकता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, हमें कुछ ना कुछ बता कर जाता है। जब विपत्तियां आती हैं तब इंसान फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पैसा सोच समझ कर खर्च करता है और अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचता है, और जब वो दोबारा स्टैंड करता है तो वो ज़्यादा बेहतर लेवल पे पहुंच पाता है, क्योंकि उसके जीवन में मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी होती है। जो विपत्तियां होती हैं वो आपके परफॉर्मेंस को उस लेवल तक लेकर जाती हैं जिस लेवल की आप उम्मीद रखते हैं। क्योंकि कहते हैं जब विपत्तियां होती हैं तब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि पाने के लिए सब कुछ होता है। सो जब आपका बुरा वक्त आता है तब आप अपना बेहतर देते हैं, क्योंकि उस बुरे वक्त से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, और ये मदद करता है आपकी कि आप अपना बेस्ट निकाल कर दे सके। जो एडवर्सिटी होती हैं, विपत्तियां होती हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि जब सपोज आप कोई काम छूट गया, सपोज आपकी नौकरी छूट गई, तब इंसान सोचता है कि वो ज़्यादा लोगों से जाकर मिले। क्योंकि जब इंसान कंफर्टेबल जोन में रहता है तो जब अपनी ज़िंदगी से खुश होता है तो कुछ नया करने की ट्राई नहीं करता है, लेकिन जब वो विपत्तियों में होता है तो प्रयास करने निकलता है, और जब वो मार्केट में जाता है तब उसको पता चलता है कि शायद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिससे वो सेटिस्फाइड था वो उसके लेवल का कुछ भी नहीं था। इसलिए विपत्तियों का खुलकर स्वागत करें। जो विपत्तियां होती हैं, एडवर्सिटी होती हैं, वो इनोवेशंस भी लाती हैं। क्योंकि जब इंसान खाली समय में होता है, जब उसके पास काम नहीं होता है तो कुछ ना कुछ ट्राई करता है। जैसे कोई फोटोग्राफी का शौकीन है तो फोटोग्राफी करता है, और जब फोटोग्राफी करता है तो जब उसका टैलेंट बाहर निकल के आता है तो क्या पाता है, तो अपने पैशन को रिकॉग्नाइज कर पाता है और बेस्ट इनोवेशंस लेकर मार्केट में उतरता है और पहले से बड़ा एम्पायर खड़ा कर। विपत्तियां होती हैं, हमें अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट दे जाती हैं जिसके बारे में हम उम्मीद नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि थॉमस अल्वा एडिशन जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो कि ट्राई करते रहे विपत्तियों के अंदर ही उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दिखाया। इस बात से मत घबराना कि रिस्क लेंगे तो क्या होगा, विपत्तियां आएंगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा। यदि आप एक किसी बिजनेस के अंदर हैं और यदि आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, विपत्तियों से डरते हैं, तो डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बुरे से बुरा होगा, यदि आप बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, तो फेलियर तो आप पहले से हैं, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, कीप ट्राइंग, विपत्तियों से टकराइए, प्रॉब्लम से टकराइए, रिस्क लेना शुरू करिए, विपत्तियों का स्वागत करिए, बेहतरीन वर्जन बनिए और विपत्तियों के साथ इनोवेशन लाइए, क्योंकि विपत्तियां ही आपको जिताएंगी। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।